हेलो स्टूडेंट, होम साइंटिस्ट एकेडमी में आप सभी का वेलकम है। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आज के वीडियो में हम फेशियल साइकिल और फैशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। फेशियल साइकिल यानी जो भी फैशन मार्केट में आती है, लोग जिसको अपनाते हैं, उसकी एक साइकिल होती है जो एक के बाद एक चलती जाती है और लास्ट में वो फैशन जो है वो खत्म हो जाती है। तो हम उसके स्टेप देख लेते हैं जो कि एक के बाद एक चलता रहता है। सबसे पहला है इनोवेशन। इनोवेशन यानी होती है कोई भी नई फैशन को क्रिएट करना। इसमें जो इनोवेटर होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी थिंकिंग से, अपनी इंटेलिजेंस से नए नए फैशन जो है उसको इनोवेट करते हैं। सेकेंड आता है राइज, यानी वो अपने जो इनोवेशन है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले जो टॉप सोसाइटी के जो लोग हैं या जो फैशन से रिलेटेड लोग हैं उनको अपने जो फैशन जो उन्होंने बनाया है उससे इंट्रोड्यूस करते हैं। मैगजीन के थ्रू कर सकते हैं या फिर वो फैशन शो जो होता है, रैम्प वॉक जो होता है, उसके द्वारा जो अपना इनोवेशन है, जो अपनी उन्होंने जो फैशन बनाया है वो पहुंचाते हैं। इसी स्टेज पे ये डिसाइड होता है कि जो उन्होंने फैशन बनाया है, क्रिएट करा है, वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अगर वह एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आगे की वाली स्टेज आती है या फिर वो लोगों तक पहुंचता है। थर्ड स्टेज है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी कि वो लोगों तक अब पहुंचने लगा है, वो जो फैशन है वो मार्केट में आने लग गया है। फिर आता है जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस मतलब जो फैशन है वो मास, मतलब पूरे लोगों तक जो है वो फैल गया है। हर मार्केट में, हर मॉल में, हर शॉप पे जो है वो आपको उसी फैशन की ड्रेस मटेरियल मिलेंगे और हर लोग जो है उसी को ही परचेज करना चाहेंगे। फिर आता है डिक्लाइन। जब लोग उसको यूज़ करने लगे हैं, लंबे समय तक पहनने लगे हैं, तो वो उस फैशन से बोर हो जाते हैं, फिर वो उस फैशन को छोड़ के किसी नए फैशन को देखने लग जाते हैं, तो वो कहलाती है डिक्लाइन स्टेज। और लास्ट आती है ऑब्सोलेशन, मतलब वो जो फैशन है वो पूरी तरह से चला जाता है, न लोग उसे खरीदते हैं, यूज़ करते हैं और मार्केट में भी वो दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से ये सारी जो है वो सर्कल की तरह एक के बाद एक जो है वो चलती रहती है और लास्ट में वो फैशन ख़त्म हो जाता है और नई फैशन जो है वापस से इनोवेट करके मार्केट में लाई जाती है। इसके अलावा और भी इसी के अलग नाम ही स्टेज यही रहेगी, नाम चेंज हो जाते हैं, उसको ग्राफ के रूप में भी समझाया गया है। जैसे सबसे पहली स्टेज आती है इंट्रोडक्शन, मतलब जो भी इनोवेटर क्रिएटिविटी ने जो फैशन बनाई है उसको लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फिर अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो वो राइज, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आती है, लोग उसको अपनाने लग जाते हैं। पीक या उसे क्यूमुलेशन भी कहते हैं, मतलब ऐसी स्टेज आती है जब उस फैशन का पीक होता है, हर जगह आपको वही फैशन के कपड़े नजर आएंगे। फिर आता है डिक्लाइन, जब लंबे समय तक उसको यूज़ करके बोर हो जाते हैं तो उसको यूज़ करना छोड़ देते हैं, वो डिक्लाइन हो जाती है। और फिर है रिड्यूमेंटेशन। रिड्यूमेंटेशन और ये ऑब्सोलेशन यानी एक ही है कि वो जो फैशन है वो बिल्कुल तरीके से मार्केट से चली गई है, लोगों ने उसे पहनना अपनाना छोड़ दिया है। यह तो था फैशन साइकिल। अब हम फैशन थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। फैशन थ्योरीज जो है वो तीन तरह की होती है। पहली है डाउनवर्ड फ्लो थ्योरी, जिसको ट्रिकल डाउन भी कहते हैं, मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। इसमें सबसे पहले जो टॉप के हाई सोसाइटी के जो लोग होते हैं, हाई इकोनॉमिक क्लास के जो लोग होते हैं, वो इस फैशन को पहले अडॉप्ट करते हैं, वो जब अडॉप्ट करना छोड़ देते हैं उसके बाद फिर मिडिल और फिर लो आता है। तो ये जो फैशन है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। सेकेंड जो थ्योरी है वो है हॉरिजॉन्टल और मास मार्केट थ्योरी, जिसको ट्रिकल अप्रोच भी बोलते हैं, यानी जो भी फैशन आई है वो पूरी एक साथ पूरे ही लोगों में एक साथ फैलेगी, चाहे टॉप के हो, मिडिल हो या बॉटम हो, सभी लोगों में एक उसी तरह का फैशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि उसके जो वर्जन है या उसकी जो क्वालिटी है कपड़े की, मटेरियल की, वो अलग हो सकती है, लेकिन फैशन जो है वही चलेगा। और थर्ड जो होती है वो होती है अपवर्ड फ्लो थ्योरी, जिसको बॉटम अप भी कहते हैं, यानी जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इसको इस फैशन को सबसे पहले जो लोअर सोशल वाले जो लोग हैं वो अपनाते हैं, उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।